my skin is dry and sensitive. Still, I am not seeing any sensitivity on my face. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि हियर एंड यू आर वाचिंग सृष्टिज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा। आज मैं रिव्यू करूंगी मिनिमलिस्ट के नियासिनामाइड सीरम का। इट हैज 10% नियासिनामाइड एंड 1% जिंक। आप लोगों को अगर पता होगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए नियासिनामाइड बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके स्किन का बैरियर डैमेज है, इनफैक्ट 1 से 2 महीने पहले मेरा भी स्किन का बैरियर डैमेज हो गया था ड्यू टू दी विटामिन सी, एंड मैंने उसके बाद नियासिनामाइड यूज़ करना शुरू किया और मेरा स्किन काफ़ी हील हो चुका है, मेरा स्किन बैरियर भी हील हो चुका है। एंड गाइज, नियासिनामाइड बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होता है। ये एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, एंटी एजिंग होता है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऑयल को कंट्रोल करता है। और गाइज, इनफैक्ट जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सबको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आपको कोई एक्टिव इन्ग्रीडियंट यूज़ करना है तो आप नियासिनामाइड यूज़ करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारे ही एक्टिव इन्ग्रीडियंट के साथ ये बहुत ईजिली चला जाता है। कल मैंने BHA 2% सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया था, उसके साथ भी मैंने ये यूज़ किया था, मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं हुआ था। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। 599 रुपीज में आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप इसके वेबसाइट या अमेजोन से परचेज करेंगे तो डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है, मुझे भी कुछ डिस्काउंट में ही मैंने परचेज किया था। लेट्स टॉक अबाउट द इन्ग्रीडियंट्स। सो फर्स्ट इट हैज़, मैं यहाँ पे सारे इन्ग्रीडियंट लिस्ट डाल दूंगी और मैं इसका जो बेस होता है ना, ऑलमोस्ट सारे ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बेस सिमिलर होता है, तो मैं इसके कुछ गुड इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं हर एक लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर करिए। पैच टेस्ट करके ही आप उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करिए। सो इंग्रेडिएंट में इट हैज फर्स्ट एलोवेरा जूस। इट मीन्स इट हैज 80% ऑफ एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस जो होता है, बहुत सारा जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें वाटर फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है, बट मिनिमलिस्ट का ये एक अच्छा मुझे लगा कि इनका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा जूस है, ना कि वाटर। एलोवेरा जूस एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, स्किन को काफ़ी सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है और इनफैक्ट स्किन के हमारे टेक्सचर को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और हमारे स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। मेक श्योर कि आपको एलोवेरा जूस सूट करता हो। आई गेस इसमें ऐसा एलोवेरा जूस यूज़ किया गया है कि मुझे लगता है 99.9% लोगों को सूट करेगा। सेकेंड, इट हैज नियासिनामाइड। नियासिनामाइड इसमें 10% है, तो 10% नियासिनामाइड बोलते हैं कि अगर रोज आप यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10% नियासिनामाइड यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको 10% यूज नहीं करना तो आप 5% वाला यूज कर लो। इनका 5% वाला भी अवेलेबल है, बट मैं 10% यूज करती हूँ क्योंकि अभी क्या है कि हॉट और ह्यूमिड वेदर था, उसकी वजह से मुझे काफी एक्ने हो रहा था और ये 10% मुझे काफी तक सूट कर रहा था। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस 10%। बट मुझे लगता है कि अगर आपको डेली यूज करना है नियासिनामाइड तो नेक्स्ट आप 5% वाला यूज करो। नेक्स्ट, इट हैज जिंक PCA। जिंक PCA जो होता है, जिंक PCA इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इट इज गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। जिंक PCA इज द सिनर्जी ऑफ टू कॉम्पोनेंट, जिंक एंड LPCA। जिंक जो यूज किया जाता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में वो ऑयल या सीबन प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, उसको कंट्रोल करता है, सीबन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ऐसा बोलते हैं कि इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो एक्ने और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए भी काफी अच्छा होता है। सो नेक्स्ट, इट हैज फिनॉक्सीएथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरिन। ये दो प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं एंड देन फ्यू थिकनिंग एजेंट यूज किया गया है एंड लेसिथिन इसमें यूज किया गया है एज अ इमोलियंट। ये भी एक बहुत अच्छा इमोलियंट है, बट लास्ट इंग्रेडिएंट है इसलिए मुझे लगता है कि इसका परसेंटेज बहुत कम होगा तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज मैं इस सीरम को अप्लाई कर रही हूँ और ये उतना ज्यादा यू कैन से लाइक मतलब
नरिशिंग नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होगा, और अगर आप दिन में यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन भी जरूर यूज करना होगा। बट इट इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो आपके एक्ने स्कार्स को, एक्ने को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करे, आपके स्किन बैरियर को हील करे, सो यू कैन जस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड बहुत अच्छा है, बट वो इजिली अवेलेबल नहीं है इंडिया में। दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैं इसका आपको टेक्स्चर दिखाती हूँ और मैं इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो बिल्कुल जेल वाटरी टेक्सचर है, एंड इसको आप अपने फेस पे इस टाइप से अप्लाई करिए एंड बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, और इसका जो थोड़ा वाटरी टेक्सचर है, आई लाइक द टेक्सचर गाइस, बहुत अच्छा टेक्सचर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एलोवेरा जेल की वजह से ये काफ़ी मतलब बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है और बहुत इजीली स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इट इज़ वेरी वेरी नाइस, मतलब विद आई गेस एक मिनट में आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है, सिर्फ सीरम अप्लाई करना इनफ नहीं होता है, क्योंकि सीरम तो हमारे स्किन ट्रीटमेंट एक्ने के लिए यूज़ किया जाता है, मॉइस्चराइजर एक शील्ड बनाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस से, और उसके बाद सनस्क्रीन भी ज़रूर अप्लाई करिए गाइस। सो मैं इसको ऑलमोस्ट 15 से भी ज़्यादा दिन से ट्राई कर रही हूँ, आधा बॉटल मैंने इसको फिनिश कर दिया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको यूज़ करके, मेरे स्किन में कोई इरिटेशन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। हालांकि माय स्किन इज़ ड्राई एंड सेंसिटिव, स्टिल आई एम नॉट सीइंग एनी सेंसिटिविटी ऑन माय फेस, इट लुक्स सुपर सुपर ऑसम, इट इज़ वर्किंग फाइन ऑन माय स्किन। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, अफोर्डेबल भी है, इजिली अवेलेबल भी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट परचेज होगा वो मैं 5% नियासिनामाइड सीरम अप्लाई करूंगी, ट्राई करूंगी, और ऑब्वियसली अपना रिव्यू भी आप लोगों से शेयर करूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।